નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અમારી આ ખાસ રજૂઆતમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હું છું નેહલ. દર્શક મિત્રો, 31 ઓક્ટોબરના રોજ વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીનું લોકાર્પણ થવાનું છે. દેશના 562 દેશી રજવાડાઓને એક કરવાનું વિશાળ ભગીરથ યજ્ઞ સરદાર સાહેબે કર્યું હતું અને ત્યારે તેમને સન્માન આપવાના હેતુથી ગુજરાતના તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી અને હાલના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સ્વપ્ન સેવ્યું હતું કે વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા સરદાર ડેમ પાસે બનાવવામાં આવે. 182 મીટર ઊંચી આ મૂર્તિ બનીને હવે તૈયાર છે ત્યારે આ શિલ્પની ડિઝાઇન બનાવનારા તેમજ પદ્મશ્રી અને પદ્મભૂષણથી સન્માનિત એવા શ્રી રામ સુથાર સાથે મંતવ્ય ન્યૂઝે ખાસ સંવાદ કર્યો હતો. તેમની સાથેનો આ ખાસ સંવાદ હિન્દી ભાષામાં છે અને હિન્દીમાં જ અમે આપને બતાવીશું. રામ સુતારજી, મંતવ્ય ન્યૂઝમાં આપકા હાર્દિક સ્વાગત હૈ. આપને જિસ પ્રકાર સે વિશ્વ કી સબસે ઊંચી પ્રતિમા યાની કી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી બનાઈ હૈ, ઉસમે ઉસકે બારે મે હમારે દર્શકો કો આપ ક્યા જાનકારી દેંગે? બચપન સે તો બડી બડી મૂર્તિઓ બનાને કી સપના થા હમારા. જી, બચપન સે હી 47 સે હી સમજ બડી બડી મૂર્તિ બનાતે આયા હું. આજ જી સર, આજ હમારા ભાગ યે રહા कि सरदार पटेल का दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनाने का मौका मुझे मिला. हम बहुत बहुत खुशी हो रही है. इतनी बड़ी उम्र में भी आप इतनी स्फूर्ति से कई सारे शिल्प बना रहे हैं, इसका राज क्या है? ये हम काम कर सकते हैं और बचपन से करते आए हैं और ये कहावत है करती का नाम गाड़ी. तो हम बचपन से काम करते आए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं और दुनिया में सबसे बड़ी ऊंची बनाने का मौका हमें मिला. हमें भी बड़ा मतलब बहुत हम खुद को बड़ा भाग्यवान समझते हैं और दुनिया को भी और स्पेशली मतलब गुजरात को एक बड़ी प्राउड जी बात है. ये प्राउड अच्छा राम सुतार जी, इस मूर्ति को बनाते वक्त अगर देखा जाए तो सरदार पटेल की ऐसी कौन कौन सी खूबियां हैं जिनका आपने बारीकियों से निरीक्षण किया था? पहले तो हमने 3 फीट की मूर्ति बनाई थी. जी. उसके बाद 18 फीट की मूर्ति बनाई. जी. उसके बाद 30 फीट की बनाई. इसी तरह से ये मूर्तियां इनके हर एक पार्ट बड़ा बड़ा बना के आज तक ये इसी तरह से ये प्रोसेस है. मतलब कोई चीज से बड़ी बनाना इनलास करते करते ये ऐसी बड़ी मूर्ति बनी है. राम सुतार जी, मोदी जी ने इस प्रोजेक्ट को साकार करने के हेतु देश भर से लोहा इकट्ठा किया था, क्या उसका इस्तेमाल वाकई में हुआ है? नहीं नहीं, ये लोहा जो है बेच दिया गया है और उसके जो पैसे मिले वो इसमें काम आए. स्टेच्यू ऑफ यूनिटी मेड इन चाइना कह सकते हैं कि मेड इन इंडिया है? ऐसा है, ये मूर्ति बड़ी और जल्दी बनाने का हिसाब से चाइना में एक ये मूर्ति कास्टिंग करने का एक कारखाना है वहाँ कि ताकि जल्दी ना बन सके. तो हमारी मूर्ति के ऊपर से ही संचय लेके उसके बड़े बड़े पार्ट बनाए गए और ये पार्ट फिर वहाँ चले गए. तो ये चाइना हमारे ही मूर्ति के ऊपर से जैसे फोटो लेके पार्ट बड़े किए गए और वो बार फिर बड़ी मूर्ति लग गई. मेड इन इंडिया है, इतना है कि वो जो कास्टिंग करने के जरिए बड़ी फाउंड्री थी वो जल्दी बनाने के लिए है ये फाउंड्री चुनी गई और वहाँ से काम लिया गया. वैसे हम हर एक टाइम में वहाँ जाते थे और उसका इंस्पेक्शन करके आगे काम बढ़ाते थे. सरदार पटेल की सादगी इस मूर्ति में भी कहीं ना कहीं दिखाई देती है, तो आपको इसका विचार कैसे आया? हमेशा का ड्रेस था ये. जी. जितने भी फोटोग्राफ देखे जी सब में धोती कुर्ता जैकेट ये उनका हमेशा का ड्रेस है, इसलिए वही चुनना ज्यादा और उनका फीचर और कुर्के के साथ वगैरह उसी तरह से तैयार किया गया. बिल्कुल. राम सुतार जी, आपने और भी कई सारे राजनेताओं के शिल्प बनाए हैं, तो उन मूर्तियों में और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में क्या फर्क दिखाई देता है? अलग मतलब उनका एक स्वभाव के अनुसार जिन्होंने जैसा कार्य किया एक तरह का मतलब उनके चेहरे पे भाव एक दृढ़ता
या जिसकी वजह से लोग लोग पुरुष कहते थे, वो फीचर आने के लिए इस तरह से फोटो के ऊपर से स्टडी करके उनके चेहरा बना गया। यह विश्व की प्रथम मूर्ति है जिसमें हम सरदार पटेल की मूर्ति के पैरों से लेके छाती तक लिफ्ट में जा सकते हैं और सरदार डैम का पूरा नज़ारा देख सकते हैं। तो टेक्निकली यह प्रोजेक्ट कितना चैलेंजिंग था? कि वहां जा सकते, फिर नीचे से छाती तक जा सकते हैं जी, और छाती में से ऐसे जो होल के थ्रू छेद है जी, उनके थ्रू आसपास का डैम का नजारा देख सकते हैं। आपने विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति डिजाइन की है तो स्वाभाविक तौर पे गौरव भी महसूस भी होता होगा, क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छा लगता है, दुनिया में सबसे बड़ी मूर्ति बनाने का मौका मिला और वो भी गुजरात में मोदी सरकार ने ये सब अपने विचार करके ये प्रतिमा का निर्माण करने का प्रोत्साहन किया, हमें हमें उसका बनाने का मौका मिला, बहुत भाग की बात है, दोनों के भाग है और गुजरात का भी भाग है। दर्शक मित्रों, राम सुथारजी साथे नो आपनो आ संवाद जारी रहेशे। आपका अगला प्रोजेक्ट है वो है मुंबई के पास अरबी समुद्र में शिवाजी का स्टैच्यू बनाने का प्रोजेक्ट, कुछ जानकारी उसके बारे में दीजिए। जी, वो भी शिवाजी का 400 फुट ऊंचा वो शिवाजी का अपना बनाने जा रहा है, हमारा मॉडल तैयार हो गया है, जो अप्रूव किया है लोगों ने, उसी तरह से ये बड़ी मूर्ति 400 फीट बनाई जाएगी। अगर देखा जाए तो इससे पहले भी आपने सरदार पटेल का स्टैच्यू बनाया हो तो उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, पहले ये पार्लियामेंट में जब गांधी जी का स्टैच्यू लगा जी, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपने जितने भी बड़े बड़े लीडर्स है इनकी लगनी चाहिए, फिर नेहरू, इंदिरा जी, मौलाना आजाद वगैरह, इस तरह से हुआ और फिर सरदार पटेल का भी स्टैच्यू वह पार्लियामेंट में लगा। सरदार पटेल का जो स्टैच्यू संसद में बना है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की अगर बात करें तो वो दोनों में क्या अंतर आपको दिखाई देता है? अंतर बिल्कुल नहीं है, उसी ही कॉपी बड़ी बनाई गई है। जैसे सरदार पटेल के 18 फीट का पार्लियामेंट में है उसी की कॉपी है, उसी बड़ा इलाज करके वो बनाया गया है और इतनी बड़ी मूर्ति हो गई। अब एक एक राज्यों के बीच सबसे ऊंची मूर्ति बनाने की होड़ लगी है, क्या ऐसा हम कह सकते हैं? खैर, अभी तो वो तो जरूर लगी है, मैं सोचता हूँ अभी सरदार पटेल मूर्ति इतनी बड़ी है और इससे बड़ी बनाने का कोई किसी की मतलब ताकत नहीं होगी मुझे लगता। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर एक राज्य मूर्ति बनाने की होड़ में लगा है तो देश की यूनिटी खतरे में पड़ सकती है, क्या आप ऐसा महसूस करते हैं? नहीं नहीं, ऐसा सवाल ही नहीं उठता, ऐसा सोचिए मत, ऐसा नहीं हो सकता। एक शिल्पकार के तौर पे अगर बात की जाए तो आपका इतना लंबा बड़ा चौड़ा अनुभव है तो उसे देखते हुए सरकार ने यह सबसे बड़ी मूर्ति बनाने का जिम्मा आपको दिया, ऐसा कह सकते हैं? हाँ जी, तो ये उनके विचार हुए और हमारा भी साथ रहा, तो बहुत ना दोनों का मिलन बहुत बड़ी बात है और इसकी वजह से बड़ी चीज बन गई दुनिया में याद रखने के लिए। भविष्य में भी इस प्रकार के प्रोजेक्ट का काम अगर मिलता है तो आप करेंगे क्या? जो भी है, हम जो भी जिसकी कल्पना है उनको हम साथ दे देंगे और पूरा काम कर देंगे। राम सुतार जी, देश की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है, सरदार पटेल का जो मैसेज है जी, सरदार पटेल के जो विचार थे वही लोगों को फिर दोबारा अपना बताया जाए और उनको याद रखा जाए, इसीलिए ये प्रतिमा है, प्रतिमा देख के लोगों को पता चले कि सरदार पटेल की क्या इच्छा थी और कैसा चलना चाहिए, कैसी यूनिटी रखा जाए, ये उदाहरण है। तो राम सुतार जी, आप हमारे साथ जुड़े और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की कई सारी रोचक जानकारी आपने दी, इसलिए मंतवी न्यूज की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शक मित्रों, राम सुतार जी साथेनो संवाद अमने आशा छे कि चौक्कस थी आपने पसंद पड़ियो हशे। तो आ विशेष रजूआत में अत्यारे बस आटलू ज, नमस्कार।